क्या हुआ, कहाँ खोई हो? अरे ये कैसे हो गया? पारो को भी लगा दी मेहंदी। बहुत खूब, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। अब मुझे भी मेहंदी लगा दो अपने असली रूप में। शंकर, बड़े सरकार हमारा खून देखकर ना अजीब सा बर्ताव करने लगे। माने उनकी आंखें बड़ी बड़ी लाल लाल हो गई थी, उन्हें बहुत पसीना आ रहा था, घबराए हुए से लग रहे थे। और फिर अचानक से बिल्कुल नॉर्मल हो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। हमने पूछा भी था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम कह रहे हैं आपसे, कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। शंकर, शंकर आप चलिए हमारे साथ। अरे अभी समय नहीं है, चलिए आइए जल्दी। एक बार मेरी शादी और सारी रस्में पूरी हो जाए, उसके बाद नाग नागिन का वो हाल करूंगी कि दोबारा जन्म लेने से पहले उनकी रूह कांपेगी। आखिरकार ये रस्म पूरी हुई। मेरी मेहंदी की रस्म, चुड़ैल की मेहंदी की रस्म। मेरे बाबूजी उस मोहिनी के साथ हाथ मिलाकर राक्षस बन गए। पर तुमने मुझे क्यों रोका, क्यों? तो शंकर आप क्या करते, जाके बड़े सरकार से सवाल करते और मिल जाता आपको जवाब। बड़े सरकार मोहिनी के कब्जे में है शंकर, वो चुड़ैल। मतलब इसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी, हमें ना उस वजह तक पहुंचना है, उस वजह को जड़ से खत्म करना है। और बड़े सरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस बात की तह तक जाना है। शंकर, शंकर पर हमें जो भी करना है बहुत संभल कर करना है, बहुत ध्यान से, क्योंकि बड़े सरकार मोहिनी के बस में है। और आरो, यहां बैठो, ये लो पानी पियो। क्या हो गया एकदम से? कुछ नहीं, हल्का सा चक्कर आ गया, शायद हम ज्यादा सोच रहे ना। आरो प्लीज, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, हाथ पर हाथ धर के बैठने का समय नहीं है शंकर। आप एक काम कीजिए, अपना बड़े सरकार पर नजर रखिए, हम उस मोहिनी पर नजर रखते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी पारो, चुपचाप आराम करोगी। चक्कर आ रहे हैं तुम्हें, प्लीज पारो, जस्ट रिलैक्स। शंकर, आराम करने का समय नहीं है, एक बार उस मोहिनी को पकड़ ले, उसके बाद तो आराम ही आराम है। शंकर,
मान जाइए। हमें जानना है कि ये मोहिनी आखिर करने क्या वाली है। का पीछा करने का कोई सोच भी नहीं सकता। पापा, ये लो चाय। आपको पता है, ये हमने खुद अपने हाथ से बनाई है। हाँ, तभी तो हम कहेंगे इतनी मीठी क्यों है। बिल्कुल हमारी बबली की तरह। दूर हो जाए इनसे, ये हमारे बाबूजी नहीं, एक राक्षस है। राक्षस है, राक्षस, राक्षस। नहीं, धन्यवाद भोलेनाथ, हमेशा की तरह आपने हमें बचा लिया। समय पर ये गुड़िया दिख गई हमें, नहीं तो आज तो फंस ही जाते हम। ये क्या हो रहा है दीदी? भाई हम तो बहुत ही खुश है। अच्छा बेटा, अगली बार लिट्टी चोखा बनाना, हमें बहुत पसंद है। लिट्टी चोखा? ठीक है, हम लिट्टी चोखा बनाएंगे आपके लिए। क्यों नहीं, एक बात बता दे सबको, ये जो हमारी बिटिया है ना, ये कोई मामूली लड़की नहीं है, इसके हाथों में जादू है, जादू। ये जो बनाएगी ना, बेहतरीन बनेगा। हाँ। मुझे गुस्से से नहीं, समझदारी से सिचुएशन को हैंडल करना होगा, साबित करना होगा कि ये पहुंची नहीं, एक राक्षस है। बधाई हो जीजी, आपकी मेहंदी पूरी हो गई, अब बस जल्दी से शादी पूरी हो जाए। ये तो वही बक्सा है जिसमें बड़े सरकार करनी। हाँ,
ये यहाँ कैसे? जीजी, जीजी ये क्या? इसमें तो लिखा है कि शादी से पहले सगाई भी करनी पड़ेगी। सगाई? शादी? हे भोलेनाथ, ये मोहिनी आखिर करना क्या चाहती है? शादी से पहले एक और रस्म है जो पूरी होनी जरूरी है। मुझे इस परिवार की खानदानी अंगूठी चाहिए। उस अंगूठे के साथ पूरे खानदान के साथ मिलके तुम उसकी पूजा करोगे। उसके बाद ही वो मुझे पहनाना। ठीक है, काम हो जाएगा। पूजा में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। याद रहे कि सब घर वाले साथ में हो। ठीक है। चीची, आपने मेहंदी तो मेरे बिना कर ली, आप सगाई भी निपटा लो, लेकिन शादी में मैं जरूर चलूंगी। अब चलो, मेरी रस्में पूरी करने के लिए मुझे तैयार होना है। चलो। चुड़ैल की शादी? किताब तो हम भूल ही गए। जी 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 तो गई, ले ले आती हूँ। क्या कर रहे हैं आप? बहुत शुभ दिन है आज का। और ये अंगूठी देख रहे हो, ये हमारे खानदान की पहचान है। तो हमने सोचा कि आज के शुभ दिन इसकी पूजा की जाए। इस सब की क्या जरूरत है? खानदान की भलाई के लिए इसकी पूजा करना जरूरी है। घर वालों को नीचे भेज दो। पूजा शुरू की जाए। चलिए, पारों कहीं नजर नहीं आ रही है। कहां चली गई वो? बाजार गई है, कुछ सामान ले ली। हम पूजा शुरू करते हैं, वो आ जाएगी। आइए।
तुमने बहुत अच्छा किया, सबको भी खुश कर दिया। अभी अंगूठी मुझे पहना दो अपने हाथों से। ये कैसे हो सकता है? तुमने तो इन्हें भी होश कर दिया था ना? हाँ किया था, समझ में नहीं आ रहा है। जादुई धुआं सूंघने के बावजूद कि मनुष्य होश में कैसे आ गए इतने जल्दी? तुमसे लड़ते लड़ते तुम्हारा तरीका सीख गए हम मोहिनी, इसलिए पहले से ही तैयार थे। पूरे परिवार को मैंने अपने सुरक्षा कवच में रखा था, इसलिए वो जहरीला धुआं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कोई फर्क नहीं पड़ता शंकर, मेरी सगाई हो चुकी है। क्या ये बात तुम यकीन से कह सकती हो? बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। अंगूठी गायब हो गई। तुझे क्या लगा था चुड़ैल? तुझे क्या लगा हम तेरी सगाई होने देंगे? ये तुम्हें यहाँ मारने में व्यस्त रहेगा और वहाँ पारो का बच्चा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अपनी नागिन को उसकी खोख में पल रहे उसका पोली को कभी नहीं बचा पाओगे शंकर। ऐसा कैसे हो सकता है? हम बताते हैं। तुम्हें यहाँ मारने में व्यस्त रहेगा और वहाँ पारो का बच्चा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अपनी नागिन को और उसकी खोख में पल रहे उसका पोली को कभी नहीं बचा पाओगे शंकर। जो अंगूठी तेरे पास थी वो एक जादुई अंगूठी थी जो 5 मिनट में गायब हो जाती है। असली अंगूठी यहाँ है।
इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। किसी भी कीमत पर हम तेरी सगाई नहीं होने देंगे चुड़ैल। आज तू मुंह की खाएगी चुड़ैल, और तेरी सगाई वो हम कभी होने नहीं देंगे। भाई इतनी मुश्किल से पारों के जादू से बचकर आई हूं। यहाँ मारने में व्यस्त रहेगा और वहाँ पारो का बच्चा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अपनी नागिन को और उसकी खोख में पल रहे उस सपोली को कभी नहीं बचा पाओगे शंकर। ये तुम्हें यहाँ मारने में व्यस्त रहेगा और वहाँ पारो का बच्चा। क्या मतलब है तुम्हारा? नागिन को और उसकी खोख में पल रहे उस सपोली को कभी नहीं बचा पाओगे शंकर।